नमस्कार दोस्तों, आपके ज्ञान अधिकार चैनल पर स्वागत है। इस टेक्नोलॉजी के इस जमाने में शायद ही कोई होगा जो मोबाइल फोन और सिम कार्ड यूज ना करता हो और उसके बारे में ना जानता हो, पर सिम कार्ड से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो हर किसी को मालूम नहीं होती, जैसे कि एक आधार कार्ड से आप कितने सिम ले सकते हैं, एक सिम कार्ड में आप कितने कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिम, सिम कार्ड कोने से क्यों कटा होता है, ड्यूल सिम फोन इस्तेमाल करने के क्या नुकसान है, CDMA और GSM टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। ज्ञान अधिकार, ज्ञान करे सपना साकार। एक आधार कार्ड से आप कितने सिम ले सकते हैं? एक आधार कार्ड से 18 सिम कार्ड लिया जा सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार पहले 9 सिम कार्ड लिया जा सकता था, पर अब 18 सिम कार्ड लिया जा सकता है। एक सिम कार्ड में आप कितने कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं? एक सिम में आप 250 कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में अनलिमिटेड कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। हिंदी में सिम कार्ड को उपभोक्ता पहचान इकाई पता कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सिम। फुल साइज सिम, ये सिम का पहला प्रकार था। ये बड़े आकार का होता था जो बहुत पहले आता था, पर अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मिनी सिम। मिनी सिम कार्ड का यूज़ आमतौर पर उन मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है जो स्मार्टफोन की श्रेणी में नहीं आते हैं। मिनी सिम को स्टैंडर्ड सिम भी कहा जाता है। माइक्रो सिम। मिनी सिम को चारों तरफ से थोड़ा छोटा करके स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी किया जाता है। नैनो सिम। माइक्रो सिम को और भी मिनी करके केवल चिप ही एस सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ज़्यादातर इस सिम का उपयोग स्मार्टफोन में किया जाता है। ई सिम, एम्बेडेड सिम। ई सिम मोबाइल फ़ोन में लगने वाला वर्चुअल सिम होता है। बाकी सिम की तरह ये सिम कार्ड फिजिकली नहीं होता है, इसे कंपनी ओवर द एयर एक्टिवेट करती है। इस सिम कार्ड के अनेक फायदे होते हैं। फिजिकल सिम ना होने के कारण इसके खो जाने का डर नहीं होता, ना ही नेटवर्क चेंज करने पर सिम चेंज करना पड़ता है। सिम कार्ड कोने से क्यों कटा होता है? जब सिम कार्ड मार्केट में आए थे तब सिम कार्ड कोने से कटे नहीं होते थे, जिसके कारण लोगों को मोबाइल में सिम लगाने में दिक्कत होता था कि किस तरह से सिम लगाया जाए। अक्सर लोग उल्टे तरीके से सिम लगाते थे। इस परेशानी को समझते हुए सिम कार्ड कंपनी ने कस्टमर को जागरूक करने के लिए उन्हें सेंटर पर बुलाते थे, फिर भी ये आइडिया काम नहीं आया, ना ही दिक्कतों को दूर कर पाया। फिर कुछ समय बाद सिम को कोने से काट कर जारी किया जाने लगा, जिससे लोगों को आसानी होती है समझने में कि सिम कैसे लगाएं। ड्यूल सिम फ़ोन इस्तेमाल करने के क्या नुकसान हैं? अगर आपके फ़ोन में ड्यूल सिम इस्तेमाल करने की सुविधा है तो उसमें से एक सिम आमतौर पर 4G स्पीड और दूसरे सिम की स्पीड 3G या 2G होती है। इस वजह से आप एक सिम में 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरे सिम में आपको 3G या 2G नेटवर्क या कॉल की सुविधा मिल पाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात, ड्यूल सिम कार्ड होने से आपकी बैटरी जल्दी उतरने का कारण बनती है। CDMA और GSM टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है और GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस होता है। GSM टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन में
सिम कार्ड लगाना आवश्यक होता है। इसे हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बदलकर प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में कोई डेटा लॉस नहीं होता है। और CDMA टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर्स का प्रयोग होता है और इसमें सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। CDMA टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन खराब होने पर आपको नया फ़ोन लेना पड़ता है, जबकि GSM टेक्नोलॉजी में आप केवल सिम बदलकर दूसरे मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। आजकल लगभग 80% तक GSM टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है। आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ज्ञान अधिकार चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ज्ञान अधिकार, ज्ञान करे सपना साकार।